और वो घर हेल के गोली मारता है। हम लोग इज्जत से जाते हैं तो हम लोग के गाड़ी देता थाना प्रभारी। ये दोनों मिल के मारा, हमारा पिताजी को गोड़ में गोली लगा है। हम कैसे कहें सर, गरीब आदमी है, उतना रुपया पैसा तो हम लोग के है नहीं। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। स्थिर से बोल। पिताजी का नाम क्या हुआ? कुलदीप यादव। अभी कहाँ खड़े हैं आप? हम खड़ा है अपना खेत में, मोरी का खेत है। आपका खेत किस गाँव में? भगवानपुर में। आपका घर कहाँ हुआ? भगवानपुर। कब की घटना है ये? 9 बजे करीब मारा मतलब गोली। किस दिन? आज शनिवार है, आज ही के दिन मारा गोली। किसने गोली मारा? गोली मारा बूंदी यादव का बेटा का नाम की है अनुज यादव और रमलेश यादव। ये दोनों मिल के मारा, हमारा पिताजी को गोड़ में गोली लगा है। गोली मार दिया और पूरे जितना 50 बीघा के जो मतलब मोरी बुना हुआ था टोटल को जला दिया। और वो घर हेल के गोली मारता है। अब कैसे जलाया? मोरी जलाया कि हम नहीं रोपने देंगे तुम लोग के, कैसे तुम क्या करोगे, तुम लोग से हम क्या करवा देंगे, भीख मंगवा देंगे, तुम लोग को भीख मांगना पड़ेगा, हम लोग जमींदार आदमी है, तुम लोग कट्ठा दो कट्ठा जोतने वाला है तो तुम लोग के क्या बुझेंगे, जैसे पावेंगे तैसे गोड़ तर मांझ के रखेंगे। झगड़ा कितना दिन चल रहा है? झगड़ा तो चल रहा है मतलब चैत से, चैत के महीना से झगड़ा चल रहा है, आज तक चल रहा है। चैत सब तक कई बार झगड़ा हुआ? बीच में झगड़ा तो कम हुआ सर, मगर अब है कि वो एकदम तबाह कर दिया घर। रात में हेल जाता है घर, रात में भी घर हेल जाता है। हम लोग कितना नुक कर रहे हैं, कितना छत पर नुक करते हैं। मोरी जलने का सूचना दिए थे किसी को? दिए थे, मगर थाना प्रभारी भी नहीं सुनता है, या तो घुस लें या तो कुछ लें, वो जानेंगे। हम कैसे कहें सर, गरीब आदमी है, उतना रुपया पैसा तो हम लोग के है नहीं। हम लोग इज्जत से जाते हैं तो हम लोग के गाड़ी देता है थाना प्रभारी। करें गरीब आदमी कहीं जा नहीं सकते हैं, क्या करें, मारता है। बोले मारा, मार के चल गए नवादा, चल गए सर। 18 तारीख को आवेदन दिया? हाँ 18 तारीख को आवेदन दिया, मगर थाना प्रभारी कुछ भी नहीं करता है। आपका क्या नाम हुआ? पप्पू सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? खपुरा। क्या मामला है? मामला है भगवानपुर में आपस में दोनों समुदाय लड़ाई लड़ रहा है विगत 1 साल से, और लड़ाई लड़ने का परिणाम है कि दो समुदाय या दो गुट अपने ही समुदाय के दो गुट में आपसी लड़ाई हो रहा है। प्रशासन इसमें विफल है और इन लोगों का अपना जातीय मोरी दिया सो दिया। हम लोगों के खपरा समाज के भी कम से कम 10 किसान हम लोग हैं, 10 किसान के खेत में बिचड़ा डाल दिया। उन लोग हमेशा धमकी देता है कि पूजा नहीं करने देंगे हम, नहीं धान रोपेंगे, नहीं किसी को धान रोपने के लिए देंगे। और बिचड़ा में 2,4-D और ग्लाइसोफेट नाम की दवा आता है जो रात में अंधेरी रात में सब खेत में आकर के दवा दिया है। और दवा देने से नज़ारा देखा जा सकता है कि बिचड़ा कैसे जल गया है। अब अगला खेत भविष्य में कैसे होगा सब धान, किसान धान कहाँ पर जला है दिखा सकते हैं? धान, तो धान कहाँ पर जला? मोरी धान का बिचड़ा जला है, यही जला है। धान रोपेगा तो धान भी जला देंगे। मोरी तो जलाइए, कितना मोरी जला होगा पप्पू जी? कम से कम 200 बीघा खेत का, कम से कम तो मान के चलिए कि 5 बीघा खेत का मोरी होगा। 5 बीघा खेत में बिचड़ा 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 कट्ठा किसान डालता है, उसी से उखाड़ करके खेत में लगाता है, तो कम से कम 200 बीघा खेत का मोरी जलाया। यदि इस मोरी नहीं रुपाएगा तो कितना का नुकसान आ सकता है? करोड़ का पर्सनल मेरा 5 लाख रुपया का लॉस है। आपका कितना मोरी था? मेरा मोरी था 10 कट्ठा खेत में। 10 कट्ठा खेत? हाँ 10 बीघा खेत रोपने। अच्छा, ये मोरी जो जला था इसे कब की घटना है? ये घटना 10 दिन पूर्व की घटना है। हम लोग जब खेत आए देखने के लिए तो देखते हैं कि मोरी सब जला हुआ। इसका सूचना दिए थे कहीं? सूचना प्रशासन को टेलीफोन पर दिए, लेकिन कहीं इसकी लिख करके दीजिए, नाम दीजिए, तब हम कार्रवाई करेंगे। अज्ञात में हम क्या करें, तो हम नाम किसी का देखे नहीं तो नाम हम किसका देते? आवेदन पड़ा भी तो पड़ा तो गाली देता। आवेदन आप दिए थे? हाँ आवेदन कृष्ण यादव दिया था आवेदन, अभी ले आ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।